कृपन, मैं आज आपको कैदियों और कोकिला अध्याय का तीव्र अध्ययन करवा रही हूँ। यह आपके एग्जाम्स में बहुत अत्यधिक काम आने वाला है, तो आप सारे प्रश्न लिख करके तैयार कर लेना। पहला प्रश्न है, कैदियों और कोकिला के लेखक कौन हैं? लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म हुआ था सन 1889 में। श्री माखनलाल चतुर्वेदी कौन से प्रदेश के रहने वाले थे? मध्य प्रदेश के वो रहने वाले थे। श्री माखनलाल चतुर्वेदी ने सबसे पहले किस पत्रिका का संपादन आरंभ किया था? प्रभा का। प्रश्न है, श्री माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम क्या है? उनका उपनाम है एक भारतीय आत्मा। उपनाम किसे कहते हैं? उपनाम कहते हैं एक अन्य कोई नाम होता है, जो सरनेम होता है उसे उपनाम कहा जाता है। श्री माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाओं में कौन सा प्रमुख भाव व्यक्त हुआ है? उनकी जो रचनाएं हैं उसमें राष्ट्रीय भाव पाया जाता है। जैसा कि आप कैदी और कोकिला कविता पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि देशभक्ति की भावना है। प्रश्न है, श्री माखनलाल चतुर्वेदी की काव्य रचनाएं हैं, तो ये सारे जो नाम दिए हैं, साहित्य देवता, हिमतरंगिणी, समर्पण और सारे जो हैं उनकी काव्य रचनाएं हैं। उसके बाद प्रश्न आता है कि उनका देहांत कब हुआ था? सन 1968 में उनकी मृत्यु हो गई थी। कैदियों और कोकिला शीर्षक कविता में कवि की कौन सी विचारधारा अभिव्यक्त हुई है? क्रांतिकारी विचारधारा उनकी अभिव्यक्त हुई है। कवि को कौन भरपेट खाना नहीं देता? अंग्रेज सरकार। कवि को रात में कौन निराश करके चला गया? हिमकर यानी चांद। चांद को देख करके वह निराश हो जाता है। कवि कारागृह में किन लोगों के बीच में रखा गया था? चोरों और डाकुओं के बीच में उसे रखा गया था। कवि पर जेल में रात दिन कड़ा पहरा क्यों लगाया जाता था? क्योंकि वह एक राजनैतिक कैदी था। कवि ने काली मामई किसे कहा है? कोयल को काली मामई कहा है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है? इस पंक्ति में प्रमुख विषय क्या है? कि अंग्रेज सरकार कैदियों पर बहुत जुल्म ढाती थी, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। कवि ने कोयल की आवाज़ को हुक क्यों कहा है? क्योंकि उसमें एक निराशा और वेदना है। वेदना बोझ वाली सी पंक्ति में कौन सा प्रमुख अलंकार है? यहाँ पर उपमा है, यानी कि तुलना की गई है, उपमा अलंकार है यहाँ पर। प्रश्न है, कोयल किस समय चीखी थी? कोयल आधी रात के समय चीखती थी। ताबानल की ज्वालाओं से क्या अभिप्राय है? बहुत सारा दुख, यानी कि बहुत सारा दुख होता है उसे दावानल की ज्वाला यहाँ कवि ने कहा है। कवि ने बावली किसे कहा है? बावली यहाँ पर कोयल को कहा है। कवि ने कौन सा गहना पहना हुआ था? उसने हथकड़ी पहनी हुई थी और उसे गहना बताया है। कवि को कोयल की मधुरता और सहानुभूतिपूर्ण स्वर से कैसी प्रेरणा मिली थी? विदेशी सत्ता के प्रति विद्रोह की भावना उसमें आ गई थी। शासन की करनी भी काली से क्या अभिप्राय है? यानी कि शासन का जो अत्याचार है, अन्याय है, यह भावना इसमें बताई गई है। कवि ने कोयल को के स्वर को चमकीले गीत क्यों कहा है? वह ओज और संघर्ष के भाव से युक्त है। नभ 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 भर का संचार का आशय क्या है? मुक्ति। मोहन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? महात्मा गांधी के लिए यहाँ पर मोहन शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर आपको इन प्रश्नों में कोई प्रश्न और पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना, और किसी पाठ के आपको प्रश्न पढ़ने हैं तो उसका भी नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।